भाईजान कहो या सल्लू भाई, लेकिन सलमान के फैंस के लिए उनका सबसे पसंदीदा अंदाज है दबंग अंदाज। इसीलिए आ रहे हैं चुलबुल पांडे दबंग 3 के साथ। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट, मैं हूं अभिषेक। और अभी 5 सेकंड पहले मैंने जो आपसे बात कही वो बिल्कुल सही है। जी हाँ जनाब, इधर उधर की दुनिया भर की खबरों के बाद अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है दबंग फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर अरबाज खान साहब का। अरबाज खान साहब ने सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 का ऐलान कर दिया है। दरअसल अरबाज खान ने अपनी आने वाली फिल्म तेरा इंतजार, जो कि सनी लियोनी के साथ है, उसकी एक प्रेस कॉन में ऐलान किया कि भाई अगले साल यानी कि 2018 में दबंग 3 फ्लोर पर होगी। अब 2018 में इस फिल्म की शूटिंग होगी, इसका मतलब ये कि 2019 में हमें दिख जाएंगे चुलबुल पांडे दबंग 3 के साथ। Yes, I have already started scripting on दबंग and hopefully by next year mid we'll going to start shooting. अरबाज साहब, आप सनी को अच्छी तरह से मतलब पहले से बेटर जाने लगे हैं, तो can we see her in your film, like एक फिल्म तो हो गई अब? Yes, why not? You already like pitching for a big time. Probably she can be. You don't need to. When I need Sunny in my movie, she'll be there. Don't worry. She can be next Munni. She can be. Why not? She can create something different. Why Munni? We'll create something different, na? Like how we had Munni, we had Fevicol, we can do something different. Never know. वैसे देखा जाए तो सलमान खान का शेड्यूल काफी बिजी हो चुका है। इस साल उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है आने वाली है क्रिसमस के मौके पर, वहीं पर अगले साल सलमान की रेस 3, और वहीं 2019 की ईद के लिए भारत फिल्म का ऐलान भी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सलमान खान इस बिजी शेड्यूल में कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन जनाब, एक बात तो तय है कि उनके फैंस उन्हें इनके दबंग अंदाज में देखने के लिए बड़े उतावले हैं। वैसे एक बात और है कि सलमान जहां पर बॉलीवुड के गॉडफादर से कम नहीं, वहीं पर सलमान अपने भाई अरबाज के लिए भी गॉडफादर से कम नहीं। बतौर प्रोड्यूसर दबंग सीरीज ने अरबाज खान को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। वैसे कुछ दिनों पहले अरबाज खान के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था कि दबंग 3 के बारे में कुछ कहें, लेकिन कहीं बिजी थे। दरअसल अरबाज खान बिजी थे अपनी फिल्म तेरा इंतजार के साथ, जिसमें वो सनी लियोनी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। और ये सारे खुलासे हुए हैं तेरा इंतजार फिल्म की प्रेस कॉन के दौरान ही। वैसे अरबाज से ये भी पूछा गया कि दबंग 3 में मुन्नी बदनाम होगी कि नहीं होगी, सनी लियोनी को उसमें आइटम सॉन्ग मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तब अरबाज ने भी कह दिया कि क्यों नहीं मिलेगा, वो मुन्नी क्यों बनेगी, अगर उसके लिए कुछ अच्छा किरदार हम लिख पाए तो जरूर हम सनी को अपनी दबंग 3 में कास्ट करेंगे। वैसे दबंग 3 के मेकर्स की तरफ से फिल्म की हीरोइन को लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जनाब इतना जरूर है कि दबंग 3 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं फैंस। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।